मान के चलिए मेरा शादी ब्याह हो गया रहता तो हम भी पत्नी को जाके बोलते हैं, सुन रही हो जी, खाना लगा दो, थुरा जाता तुम। वो दो टाइप की होंगी, मेल में बोलेंगे तो स्पर्म और फीमेल में बोलेंगे तो ओवम होता है। मेल में स्पर्म होता है, स्पर्म, और फीमेल में क्या होता है, ओवम होता है। ओवम, स्पर्म और ओवम, आपके मटेरियल में स्पर्म और ओवम का इमेज बनाया होगा। स्पर्म जो होता है उसमें पूंछ होती है, ये स्पर्म में क्या होता है, पूंछ, और ओवम ना बड़ा साइज का होता है, इसमें पूंछ वगैरह नहीं होती है, ओवम गति नहीं कर सकता। तो ये तो बहुत बड़ी सेल है ना, इसके भी अंदर अंदर होते हैं सब सारे पार्ट्स वगैरह, माइटोकांड्रिया वगैरह होते हैं। तो ये हो गया भैया अर्धसूत्री विभाजन, पूरे मेल के शरीर में होगा कि केवल स्पर्म में होगा, स्पर्म में, और फीमेल में क्या होगा, केवल ओवम वाले पार्ट में होगा, यानी ये जनन कोशिकाओं में होता है। क्रोमोसोम की संख्या होती कितनी, 46। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 क्रोमोसोम होते हैं। मेल में भी कितना क्रोमोसोम होता है, 46, मेल में भी 46, और फीमेल में भी कितना होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि इसमें ज्यादा है, ज्यादा घट कम हो जाना या बढ़ जाना सिंड्रोम कहलाता है, बीमारी हो जाती है फिर वो। मेल का जो 46 क्रोमोसोम है, हम लोग इसके दो भाग में बांट सकते हैं, एक होता है ऑटोसोम, क्या होता है, ऑटोसोम, एक होता है ऑलोसोम, क्या होता है, ऑलोसोम, एक ऑटोसोम एक ऑलोसोम। ऑटोसोम की संख्या 44 होती है, कितनी होती है, 44, और ऑलोसोम की संख्या 2, टोटल हो गया 46, टोटल कितने हो गए, 46। सेम वैसे ही फीमेल में भी होता है, फीमेल में भी कितने टाइप के क्रोमोसोम होंगे, 2, एक होगा आपका ऑटोसोम, 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 और दूसरा होता है ऑलोसोम, ऑलोसोम। ऑटोसोम कितना होगा, 44, ऑलोसोम कितना होगा, 2, कितने होंगे, 2। यहीं पे एक तो चीज अंतर होता है, ये जो 44 मेल में ऑटोसोम है, सेम वही 44 ऑटोसोम फीमेल में भी होता है, इसलिए मेल का किडनी फीमेल में लग सकता है, सब चीज एक दूसरे का लग सकता है, दिमाग छोड़ के। भैया दिमाग किसी का किसी में नहीं लगता है, लड़का हो या लड़की घुसियाइए नहीं, लड़की तो नहीं घुसी आ जाती है। देखो भाई, दिमाग किसी का किसी में नहीं लग सकता है, रीजन क्या है कि दिमाग अगर आप किसी का किसी में लगाएंगे ना तो वो आदमी औरों पगला जाएगा। जैसे मान के चलिए चश्मा वाला, इसका दिमाग खराब हो गया, और मान के चलिए कि अब डॉक्टर हमको बता दिए खान साहब आप बुढ़ा गए हैं, बहुत दिन जी लिए, अब जाइए आप, तो हम सोचते हैं कि अपना खूब दिमाग इस चश्मा वाले को दान दे दे, तो हम अपना डॉक्टर से कह देंगे भाई आप तो हम जाइए रहे, हमारा खोपड़िया खोल के उसके खोपड़िया में लगा दीजिए, जैसे खोपड़िया उसमें लगाएंगे ना तो खोपड़ी खोल अंदर का भेजा उसमें लगा दिया जाएगा, अगर वायरिंग वायरिंग अंदर कर दिया जाए, पहली बात दिमाग का वायरिंग बहुत टेढ़ा होता है, वो जल्दी हो ही नहीं पाता, जैसे इसमें लगाएंगे ना शरीर इसी का है, ऑपरेशन का टाका वाका कट जाएगा तो बाहर से थोड़े दिखेगा कि इसके अंदर किसका दिमाग है, खान सर लग गया ना दिमाग, अब ये हर वो काम करेगा जो हम करेंगे, मेरी मम्मी को जाके मम्मी बोलेगा, मेरी मम्मी कहेंगे रे पगला ही कौन है, सवेरे उठते यहाँ चला आएगा, गुड मॉर्निंग क्लास कहाँ तक बताए थे आप, पिटा उठा जाएगा ये, है कि नहीं, समझा गया कि नहीं। मान के चलिए मेरा शादी ब्याह हो गया रहता तो हम भी पत्नी को जाके बोलते हैं, सुन रही हो जी, खाना लगा दो, थुरा जाता तुम, बेचारा डर गया एकदम। तो दिमाग किसी का किसी में नहीं लगा सकता, बेचारा डर गया एकदम। तो दिमाग किसी का किसी में नहीं लगा सकते, लगाएंगे ना तो भयानक बवाल हो जाएगा, क्योंकि इससे जुड़ा मेमोरी कार्ड तोड़ेगी, फॉर्मेट मार के दूरा डाउनलोड मार दे यहाँ पे, इसमें वही सारा चीज डाउनलोड है जो हम अपने मेहनत से क्या किए हैं, डाउनलोड किए हैं, सब गड़बड़ हो जाएगा, किसी का दिमाग किसी में नहीं लगा सकता। दो ही रीजन है, एक तो लगेगा तो समस्या समझ गए, और दूसरा लग भी नहीं सकता है, इसमें इतनी ज्यादा न्यूरॉन होते हैं, इतनी ज्यादा सेल होते हैं। तो ऑटोसोम से हमारे शरीर का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, शरीर का, और महिलाओं में भी ऑटोसोम से शरीर का निर्माण, इसलिए दोनों की शारीरिक बनावट सेम रहती है लगभग 90%, लेकिन ये वाला ससुरा सेम नहीं रहता है। तो आपसे अगर कह दे कि ऑटोसोम का मुख्य काम क्या है, तो इस शरीर का निर्माण करना, किसका निर्माण करना, शरीर का निर्माण करना, इसमें भी ऑटोसोम का मेन काम क्या है, शरीर का निर्माण करना। लेकिन अब आता है ऑलोसोम, ऑलोसोम जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है, लिंग निर्धारण करता है कि आप मेल है या फीमेल है। आप एग्जाम में भी भरिएगा तो आपसे आपका लिंग पूछता है सेक्स मेल या फीमेल, कई गो लड़का ओ में गलती करके चलाता है सर, अरे यार रोल नंबर गलत भर यार चलेगा, तू मेल का फीमेल भर के चलाएगा, इतना गधा कहां से हो गया। तो ये टोटली उसके लिंग का निर्धारण करता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। अब इसमें एक इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 2, तो मेल में जो होता है एक संख्या में भले 2 है लेकिन कैटेगरी क्या है, सेम,
कैटेगरी क्या है, सेम, समझ गए कि नहीं, कैटेगरी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, उसमें केवल और केवल क्या पाया जाएगा, एक्स पाया जाता है। यही वजह है कि बहुत सी ऐसी बीमारी है जिसको महिलाएं क्या करती हैं, एक वंश से दूसरी वंश में लेके चली जाती है। जैसे रतौंधी एक बीमारी, कलर ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं, देखिए उसको ना लाल रंग हरा दिखने लगता है, हरा वाला लाल दिखने लगता है, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है उसको, लाल और हरा में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। और डाल्टोनिक बीमारी में केवल लाल रंग में कंफ्यूजन होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस एक बहुत खराब बीमारी होती है, खास करके जो ट्रैफिक में होते हैं या रेलवे में होते हैं या फिर मतलब पायलट वगैरह, उनको तो उसमें तुरंत लिया ही नहीं जाता है कलर ब्लाइंड में, आप में से डिफेंस वगैरह में नहीं लेता है कलर ब्लाइंडनेस। ये कलर ब्लाइंडनेस शरीर के एक्स क्रोमोजोम को क्या करता है, इफेक्टेड कर देता है, शरीर के किसको करता है, एक्स क्रोमोजोम को। अब इसमें समस्या समझिए, मान के चलिए कि हमारे में कलर ब्लाइंडनेस है, किसे, मेरे में है नहीं, हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं, मेरे में सब कुछ क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, तो मेरा कौन सा क्रोमोजोम प्रभावित होगा, एक्स वाला। तो हम एक्स के पे क्या करते हैं, एक डॉट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, डॉट। अब हमारे हमसे अगर संतान उत्पन्न होता है और अगर वो लड़की पैदा होती है, क्या पैदा होती है, लड़की, तो उसमें यही वाला क्रोमोजोम जाएगा और वो ऑलरेडी क्या है, इफेक्टेड है। तो अगर हमसे लड़की पैदा हो जाती है तो उस लड़की में कौन वाला जाएगा, एक्स वाला जाएगा। और क्या उस लड़की को कलर ब्लाइंडनेस होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि एक्स वाला मेरे में क्या है, प्रभावित हो चुका है कलर ब्लाइंड, उसमें भी होगा। लेकिन अगर हमसे लड़का पैदा होता है तो लड़का में कौन सा जाता है, वाई वाला, लड़का में कौन जाएगा, वाई वाला, क्या उसे कलर ब्लाइंड, इसका उल्टा घुमा के देखते हैं। यही कलर ब्लाइंडनेस हम इसमें मतलब फीमेल में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो सपोज कीजिए किसी फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसका कौन सा अंग प्रभावित होगा, कौन सा क्रोमोजोम, एक्स, यानी एक्स वाला प्रभावित हो गया। तो भैया जब ई हुआ तो यो ना होगा, ये हुआ तो ये भी होगा, नहीं होगा जी, दोनों तो एक के चीज हुआ है। तो ये हो गया, तो जब ये प्रभावित हुआ तो वो भी प्रभावित हो गया। अब देखो भैया, लड़का हो या लड़की हो, इसमें से कोई ना कोई एक ठो को तो आना ही आना है, लड़की हो चाहे लड़का हो, आना कोई ना कोई एक ठो को हाई है, और दोनों का दोनों क्या है, इफेक्टेड है। यानी अगर किसी भी चीज को अगर महिला में हो गया तो अगली पीढ़ी को क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देती है। तो देखते हैं अक्सर कई चीज होती है, बीमारी पुरुष को हो जाता है, वाहक कौन हो जाती है, महिलाएं हो जाती हैं। तो इसमें एक्स क्रोमोजोम, क्योंकि उनमें दोनों क्रोमोजोम एक ही कैटेगरी का होता है, दोनों कैसा होता है, एक ही कैटेगरी का। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन कैसे हो गया, अब इनमें मान के चलिए, अब जनन की क्रिया में, जनन जब होगा तो जो चाइल्ड होगा, यानी चाइल्ड मतलब बेबी लिख देते हैं, चाइल्ड लिख देते हैं, इसमें भी कितने क्रोमोजोम होने चाहिए, 46। तो 46 क्रोमोजोम कैसे होंगे, तो भाई इसके अंदर भी एक ऑलोसोम होगा, क्या होगा, ऑलोसोम। तो यहां से कितना आएगा, यहां से कितना आएगा, 22, कितना आएगा, 22, और यहां से कितना आएगा, 22, यहां से भी आएगा, 22 प्लस 22 44, 22 प्लस 22, अरे